तो भाई लोग आप लोग को पता है कि ईद के दिन यानी 10 अप्रैल को इसी महीने के दो बॉलीवुड की बड़ी आमने सामने टकराने वाली है, यानी एक बड़े मियां छोटे मियां, जिसमें आप लोग अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ देखने को मिलते हैं, जिसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर, और ऊपर से आप लोग को मूवी देखने को मिलने वाली है मैदान, जिसको कई सालों से हम वेट कर रहे हैं कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, जिसको मास्टरपीस अभी से बोला जा रहा है, वो मूवी आमने सामने क्लैश करते हुए नजर आएंगी। लेकिन बात करने वाले एडवांस बुकिंग के बारे में, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, कितनी स्क्रीन मिलने वाली है और कौन सी मूवी का क्या बजट होने वाला है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। लेकिन इतना बोलना चाहूंगा कि भाई साहब ये क्लैश बहुत बड़ा माना जाएगा, ऑडियंस की नजर से पूछो चाहे किसी नजर से पूछो, क्योंकि दो एक ऐसी मूवी आप लोग आमने सामने होगी जिसमें आप लोगों को क्लासिक ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को भरपूर एआई तौर पे एक्शन देखने को मिलेगा, तो काफी कुछ आप लोग इन दोनों मूवीज में डिफरेंट देखने को मिल जाता है, तो लोगों को पसंद करना एक आसान हो जाएगा किस मूवी को कहां देखें और किस मूवी को किस टाइम देखें। तो अगर मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले तो अजय देवगन की मैदान मूवी के दोनों ट्रेलर रिलीज किए गए, दोनों ट्रेलर को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ही कमेंट लोग अच्छे कर रहे हैं कि क्लासिक होने वाली है, नेशनल अवार्ड मिलेगा, मजा आ जाएगा, टोटली बवाल मूवी होने वाली है। तो यहां से अंदाजा हो जाता है कि भैया जी बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर रिलीज किया था, लेकिन उनको लोगों ने बहुत ट्रोल भी किया था, लोगों को बहुत पसंद भी आया था, मिक्स रिव्यू थे, लेकिन ट्रेलर के हिसाब से भैया मैदान मूवी जीते हुए नजर आ रही है और जीत भी चुकी है। अब मूवी की अगर बात करें तो मूवी जब रिलीज होगी तो दोनों की एडवांस बुकिंग की बात करें तो दोनों की एडवांस बुकिंग बहुत जल्दी ओपन होने वाली है, लेकिन अभी हाइप के हिसाब से हम अंदाजा लगाएं तो हाइप के हिसाब से भाई साहब मैदान मूवी ओवर है। मैदान मूवी हाइप के हिसाब से बहुत तेज जा चुकी है, क्योंकि मैदान मूवी को लोग बहुत सालों से वेट कर रहे हैं और इस मूवी का ट्रेलर देखते हुए जिस तरह से कहानी, जिस तरह से आप लोगों को वहां भैया जी काफी मोटिवेशनल चीजें देखने को मिलेगी, तो मूवी को लोग वही पसंद करेंगे और लोग चुनेंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अगर मैं बात करूं तो एक्शन के लवर हैं लोग, जिस तरीके से सालार वैसे डंकी हुआ था, सालार को लोगों ने बहुत प्रेफर किया था पहले दिन पर, फिर दूसरे दिन पर गिरी थी मूवी, लेकिन इस तरह का होगा मैदान पहले दिन पर कम कमाएगी लेकिन पहले दिन पर बड़े में छोटे में बहुत कमाएगी और दूसरे दिन पर असली फाइट शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो लगभग भैया जी 250 से 300 करोड़ बजट बताया जा रहा है बड़े मियां छोटे मियां का, जी हां 250 से 300 करोड़, तो ये मूवी लगभग 500 करोड़ कमाए फिर इस मूवी को सुपर हिट का बजट हासिल हो जाएगा, नहीं तो फिर ये मूवी फ्लॉप हो जाएगी। अगर मैं बात करूं मैदान मूवी का बजट, तो मैदान मूवी का बजट जो बताया जा रहा है 80 से 100 करोड़ का बताया जा रहा है, तो यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि कौन मूवी सबसे ज्यादा झप लगाए, कौन सा मूवी सबसे ज्यादा हिट और ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस हैं। तो एडवांस बुकिंग इस मूवी की जल्दी ओपन होने वाली है, बोला तो यही जा रहा है कि फ्राइडे के दिन ओपन हो जाएगी यानी कल हो जाएगी, तो अब लेट्स सी क्या ही बात बनती है, क्या ही एडवांस में कमाल कर पाते हैं। हम आप लोग को डे बाय डे रिपोर्ट देते जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, और आप लोग कौन सी मूवी को प्रेफर करोगे मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, आप लोग कौन सी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखोगे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।